नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी टोयोटा इनोवा और टाटा नेक्सॉन का एक्सीडेंट देखेंगे, जो बताता है कैसे कुछ लोग जल्दबाजी में दूसरों का नुकसान करते हैं और इन दोनों गाड़ियों में कितना दम है। वैसे तो टोयोटा इनोवा या फिर इनोवा क्रिस्टा का क्रैश टेस्ट अभी तक यहाँ पर यानी ग्लोबल एनकैप में नहीं हुआ है। हालांकि एशियन एनकैप में इसने 5 स्टार रेटिंग से स्कोर किए हुए हैं। वहीं टाटा नेक्सॉन के बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ये ना सिर्फ 5 स्टार रेटेड कार है बल्कि मजबूती का मिसाल भी है, जिसने कई बार बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। आज का जो एक्सीडेंट है वो राजस्थान से मिस्टर चिराग ठाकुर जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान के रणकपुर के आसपास किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वल्लभ नगर एमएलए प्रीति सप्तावत अपने इनोवा क्रिस्टा से जोधपुर से उदयपुर की तरफ वापस लौट रही थी, तभी एक मोड़ पर सामने से आ रही नेक्सॉन अनकंट्रोल होकर एमपीबी से लड़ गई। यहां पर नेक्सॉन की स्पीड ज्यादा बताई जा रही है और यहां पर टर्न भी थोड़ा शार्प था, शायद इसी वजह से ड्राइवर अनकंट्रोल हुआ है। जो भी हो, टक्कर जबरदस्त था जिसमें दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में नुकसान आ गया। जहां एक तरफ इनोवा का बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, रेडिएटर, फेंडर वगैरह डैमेज हो गया, वहीं नेक्सॉन के भी राइट में काम भर का नुकसान देखा जा सकता है। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो सभी पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ सेफ हैं, किसी को ज्यादा चोटें नहीं आईं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भाई, यहाँ गलती नेक्सॉन वाले की है। मोड़ वगैरह पर हमेशा ही स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे। इसके अलावा परफॉर्मेंस दोनों ही गाड़ियों का अच्छा था, दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है।